एक्सरसाइज नंबर 6.6 क्वेश्चन नंबर 7 इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी प्रूव दैट। पार्ट वन है हमारे पास ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस डी आर इन जी पी। पहले पार्ट वन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास गिवन दैट। गिवन क्या है कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जी पी। जी पी में अगर तो हम उनको इस तरह लिख सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में, मतलब बी बाई ए इक्वल है हमारे पास सी बाई बी विच इज़ इक्वल टू डी बाई सी विच इज़ इक्वल टू आर से। हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि इसको किसके इक्वल रखते हैं, आर के। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी इक्वल्स टू ए आर, मतलब पहले वाली जो टर्म थी बी बाई ए उसको इक्वल रख के आर के हमने निकाला बी इक्वल्स टू ए आर। अब दूसरी टर्म जो थी उसको आर के इक्वल रख के हमने निकाला सी इक्वल्स टू बी आर, और यहाँ से हमने बी आर जो कि किसके इक्वल है हमारे पास ए आर के, तो आर इक्वल आ गया ए आर स्क्वायर। इसको नाम दे दे इक्वेशन नंबर टू का, ऊपर वाली हमारे पास थी इक्वेशन नंबर वन। अब डी निकालना है हमने, तो डी निकालने के लिए हम जो थर्ड टर्म थी उसको आर के इक्वल रख के निकालेंगे डी इक्वल्स टू सी आर विच इज़ इक्वल टू ए आर का स्क्वायर डॉट आर, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन टू में निकली थी ना ए आर का स्क्वायर, तो डॉट r इक्वल्स टू ए आर की पावर थ्री, जिसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थ्री का। अब पार्ट वन का प्रूव है, टू प्रूव a माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस डी आर इन जी पी वी विल प्रूव दैट। हम क्या प्रूव करेंगे कि b माइनस सी डिवाइड a माइनस बी इक्वल है c माइनस डी डिवाइड b माइनस सी के। टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि क्या है b माइनस सी डिवाइड में a माइनस बी, वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वल्स टू b की जगह पे आएगी वैल्यू हमारे पास जो कि इक्वेशन नंबर वन में थी ए आर माइनस, सी की जगह पे आएगा ए आर का स्क्वायर डिवाइड में a माइनस ए आर। आगे लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम वन एंड टू विच इज़ इक्वल टू, अब ए आर कॉमन आएगा ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस आर डिवाइड में से ए कॉमन आएगा ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस आर। अब यहाँ से ए और ए भी कैंसिल हो गए और ऊपर वाला वन माइनस आर नीचे वाले वन माइनस आर से कैंसिल हो गया, तो आंसर में सिर्फ बचा आर, नो राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का भी आंसर आर ही आना चाहिए, इक्वल है सी माइनस डी डिवाइड में बी माइनस सी के। वैल्यूज पुट करें जो ऊपर इक्वेशन की फॉर्म में निकालनी है, तो सी की जगह पे आया ए आर स्क्वायर माइनस टू आर क्यूब डिवाइड में ए आर माइनस ए आर स्क्वायर फ्रॉम वन टू थ्री। इक्वल है हमारे पास ऊपर से ए आर का स्क्वायर कॉमन निकालें ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस आर डिवाइड से ए आर कॉमन निकालें तो ब्रैकेट में बचेगा वन माइनस आर। अब ऊपर और नीचे से ए आर कैंसिल हो गया, वन माइनस आर भी कैंसिल हो गया, ऊपर आर का स्क्वायर था ना एक आर बच गया, तो इक्वल्स टू आर विच इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड विच इम्प्लाइज ए माइनस बी कॉमा बी माइनस सी कॉमा सी माइनस डी आर इन जी पी। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों MCQs वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।